अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह। आज था संडे एंड फंडे, पूरा दिन हमारा घूमने फिरने में ही गुजर गया है। बस जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, मैं तो घर में ही हूँ, अभी मैं घर में ही रुकी हूँ। बाकी लोग सब दोबारा से फिर कहीं जाना था, हमारे रिलेटिव्स में कहीं वहाँ गए हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो हिम्मत नहीं थी दोबारा से कहीं जाने के लिए। तो मैंने सोचा डिनर वगैरह रेडी कर लेती हूँ, बाकी सब लोग होकर आते हैं। तो बस अभी घर की थोड़ी क्लीनिंग करना है, क्योंकि आमना और ज़ारा ने घर को बहुत ज़्यादा फैला दिया, देख लीजिए आप लोग। बस इसकी क्लीनिंग करने के बाद मैं डिनर रेडी करूँगी। तो चलिए जल्दी से फटाफट मैं इनकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है पूरा घर। अब मैं जाऊंगी किचन में और अपना डिनर रेडी करूंगी। क्या बन रहा है ये बताओ? भेल। बताती जाओ रेसिपी। भेल की रेसिपी जैनब भेल बना रही है, कुरकुरे भेल। अभी मगरिब की अजान हो गई है, मैं नमाज़ पढ़कर फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बस जस्ट मैंने डिनर रेडी किया है, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए सर्व किया है, बिकॉज़ उनको कहीं जाना है तो वो खा करके जाएंगे। बाकी सब लोगों के आने के बाद मैं उनके साथ डिनर करूँगी। तब तक मैं आमना को लेकर बैठी हुई हूँ, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक। आमना भी सभी लोगों के साथ गई थी, बट ये वहाँ जाकर रोने लगी बिकॉज़ मैं उनके साथ नहीं गई थी और ये बीमार सी हो गई और वापस इनके अब्बा उनको घर लेकर आए। अब देखिए ये इस तरह से लेटी हुई हैं, थोड़ा स्माइल तो कर दो, हाय तो बोल दो, अस्सलाम वालेकुम बोल दो, सलाम कर लो बेबी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स बोलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बाय बाय कर लो। बस आमना के सोने का टाइम हो चुका है, वो बहुत थकी हुई हैं आज दिन भर घूमने में। तो बस अब ये सोएंगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगी इंशाल्लाह, फिर हम लोग डिनर करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलती हूँ मैं आपके नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।